नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। शासकीय रास्ता दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मड़वा गांव के हरिजन बस्ती के लोगों ने विरोध किया है और इस संबंध में रीवा कलेक्टर से शिकायत की और जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। बताया गया है कि दबंगों द्वारा वर्ष 2009 से राजस्व प्रशासन की हीला हवाली के कारण आज तक अतिक्रमित कर रखा है, जिसके चलते आदिवासी बस्ती और हरिजन बस्ती के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस शासकीय रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज मड़वा गांव के पीड़ित हरिजन बस्ती और आदिवासी बस्ती निवासियों द्वारा रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी को कलेक्टर कार्यालय जाकर शिकायत पत्र सौंपा गया। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर पीड़ितों द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त गोविंदगढ़ को भी लिखित शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें कार्यवाही का आश्वासन देते हुए नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी ने विधिक कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त करवाने को कहा है। देखना यह है कि नायब तहसीलदार के आदेश का पालन करते हुए राजस्व कर्मचारियों द्वारा इस शासकीय रास्ते का सीमांकन कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराकर हरिजन और आदिवासी बस्ती के लोगों को रास्ता दिलाया जाता है या एक बार फिर मामले में लीपापोती की जाएगी। दादाजी बाबूलाल कैप्चर कर लिए, हम लोग उनका निकल कर रास्ता नहीं लिया। क्या आपके नाम से जमीन नहीं है? हम लोगों की जमीन नौ सास की जमीन है। हाँ राजू ग्राम मड़वा की आराजी नंबर 1294 के विषय में शिकायत प्राप्त हुई है कि राम सकुचिल दाई है, जो मड़वा निवासी है, वो उस पर घर निर्माण कर रहे हैं। उसके विषय में विस्तृत जांच की रिपोर्ट आरआई साहब को निर्देशित किया गया है। आरआई साहब 2 तारीख को जाएंगे मौके पर, क्योंकि आप सभी का विवाद पटवारी आपके हिसाब से पटवारी विवादित है, पटवारी कविता वर्मा नहीं कर रही है सही, इसलिए आरआई साहब के साथ हम अपने 16 पटवारियों में से दूसरे किसी पटवारी को भेजेंगे और वो वहाँ पे मौके पर विस्तृत जांच करके समस्या का निराकरण करेंगे और बताएंगे। मैडम आप क्वेश्चन, आप जैसा कि पटवारी साहब जाते हैं और आपने आदेश लिख दिया, जैसे 26 तारीख को आपने आदेश दिया था कि आप जाकर सीमांकन करना है लेकिन नहीं गए, तो उनके लिए क्या आदेश देना चाहती हैं? क्या ये सही बात है कि डेट पर ना जाना और बिना नापे ही किसी को मौखिक रूप से बता देना कि आप सही बना रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये तो गलत है। मुझे जो सूचना मिली थी कि उस दिन उन लोगों ने नाप किया था, जो मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि उस दिन शायद आरआई साहब भी गए थे 26 या 26 के पहले जिस भी दिन जहाँ, तो अगर वो नहीं गए और सिर्फ मौखिक बता रहे हैं तो ये गलत है। अब पहले हम परसों की जाँच करवा लें। पटवारी प्रतिवेदन में यह लिखा गया था कि खड़ी फसल में नाप नहीं हो सकती है अच्छे तरीके से जी। जब फसल कट जाएगी, लेकिन फसल 4 महीने पहले से कटी पड़ी हुई है और पटवारी साहब के पास, कविता वर्मा जी के पास कम से कम 10 बार जा चुके हैं इस जमीन को सीमांकन के लिए, लेकिन उन्होंने डेट बाय डेट देते हुए लेकिन कभी देखा नहीं आगे। देखिए, अगर 4 महीने पहले की बात है तो आपको भी पता है 21 मार्च से कोरोना के कारण सभी तरफ लॉकडाउन था, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत सारे काम है, उनको निर्देशित कर दिया है, कर लेंगे कुछ समय से। अभी मैडम चूंकि बरसात आने लग गई तो है, 2009 से चल रहा है लॉकडाउन, तो अभी लगा अब लॉकडाउन का हवाला देके तो काफी सारे काम आ रहे हैं। नहीं, काफी सारा काम लॉकडाउन के हवाला देकर लोग रोक के रखे हैं। हाँ। लेकिन ये 2009 से डॉक्टर एम गीता के जमाने से चल रहा है। परसों बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा, तो इस बार क्या मान लिया जाए कि 2 तारीख को सीमांकन हो जाएगा? बारिश नहीं होगी तो होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।